अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं? आज मैं मौजूद हूँ दीना सिटी में, यानी कि दीना शहर में, जो जेलम के साथ है, बहुत से लोग जानते होंगे। और यहाँ से मिठाई लेके आज मेरी वापसी है कराची। तो आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो जेलम से लाहौर तक की है बाय ट्रेन। ट्रेन का सफ़र बहुत ही शानदार रहा और ट्रेन कम से कम आधा घंटा पहले पहुँची लाहौर। और आप इसकी स्पीड चेक कीजिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा, इंशाल्लाह आपको वीडियो अच्छी लगेगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। चलते हैं इस टाइम हम लोग स्टेशन की तरफ डायरेक्टली, तो स्टेशन में मुलाकात होती है। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। फाइनली हम लोग जेलम स्टेशन पहुंच गए, तो इंशाल्लाह अभी आधा घंटा है हमारी ट्रेन के अंदर आने में, और फिर आधे घंटे के अंदर निकलेंगे जेलम से, यानी कि दीना से सीधा इंशाल्लाह ताला कराची का सफ़र। और वीडियो को पूरा देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, इंशाल्लाह आप। ये जेलम का स्टेशन है, मस्जिद। टाइम आ गई, ट्रेन आ गई फाइनली हमारी, और बिल्कुल राइट टाइम पे आई है। 10 बजे का टाइम है इसका। पीछे हो पड़ो, पीछे हो, पीछे दमक लगती है। डब्बा आखिरी है मेरे ख्याल में, क्यों? चल पड़ी है। दराए जेलम आने वाला है, अब इसको हम क्रॉस करेंगे। वीडियो को लाजमी पूरा दिखेगा आपको इंशाल्लाह। इसकी जो स्पीड देख के बहुत ही ज़बरदस्त मज़ा आने वाला है, क्योंकि गाड़ी की स्पीड इतनी मैंने नहीं देखी पहले, वो भी तेज़ गाम की। आधा घंटा पहले पहुंच गई थी लाहौर, तो अभी दराए जेलम स्टार्ट होगा यहाँ से। स्टेशन से बाहर निकल रहे हैं हम लोग, और
जेलम दरिया झेलम लंबाई में सबसे बड़ा है और रकबे में भी सबसे बड़ा है, तो आप इसका आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी देर इस पर ट्रेन चलती है। क्रॉस आ गया, रेल कार पड़ेगी हमें सामने से, रेल कार को क्रॉस दे रहे आलमगीर जन्म से के बाद पहला स्टेशन। यहाँ गाड़ी रुकती नहीं है, लेकिन क्रॉस है, सामने से रेल कार आ रही है। वो लाइटली काफ़ी हल्की स्पीड में है, ये कोई रिकॉर्ड चेक हो रहा है।
सारा एरिया आप देख रहे हैं, ये झेलम और लाला मूसा के सेंटर का है और तकरीबन पहाड़ी इलाका है। यहाँ कोई प्रोजेक्ट लगा हुआ है जिसकी वजह से काम हो रहा है सारा। Thank you.
फाइनली लाला मूसा पहुंच गए, लाला मूसा स्टेशन। Thank you.
गुजरात से निकल रहे जाओ बढ़िया तक गया है। वजीराबाद हैं? आ जाए गुजरा में लग जाए उस पर जा रहे फिरी चलो जी बाबू जी चलो जी उस्ताद जी ना छड़ो हां 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 जान दे लोखा नु आ जाओ जान दे ले आके चलो आके गुजरा वाला कौन है दा भाई बैठे हो हाँ Thank you.
योजना वाले में बड़ा रश है भैया। वाह वाह ये सारे थे खल। गुजरांवाला में बहुत रश है भैया, लगता है यही ट्रेन जाती है एक लाहौर। क्यों भाई? चलो जी चलो। अब लाहौर तक ये रश रहेगा। ट्रेन चल रही है। चलो जी ना लो चलो। देखने लग साहब देखियो। आ जाओ अंदर, हो जाओ अंदर, आप भी हो, आ जाओ आगे हो जाओ थोड़ा सा। वो इतनी जगह लंबी खाली पड़ी है लला, आगे वो देखो वो दरवाज़ा पूरा खाली पड़ा। आस्था से सारे बैठ जाओ, आस्था से गुजारा हो जाएगा, थोड़ा सा टाइम रह गया। आगे वो निकलते जाओ ना यार, बहुत जगह है, यहीं एक ही जगह में क्या फ़ायदा होगा। आज लगता है ये एक ही ट्रेन बची है। बैठ जाओ, रोक ली उसने। ये देखो भाई, ये सब लाहौर जाने के लिए खड़े, गुजरांवाला। ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਹੁਣ ਲਾਹੌਰ ਜਿਹੜੇ ਬੈਗ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੋ ਜਾ ਸਣ, ਪਰ ਗੁਜਰਾਂ ਵਾਲਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰਸ਼ ਹੈ ਭਾਈ। ਜੀ ਜੀ 15 ਸੀਟ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 16 त्रै कैबिन छोड़ी के अगे चले जाओ। यहाँ से कितना सफर है लाहौर का? 1.5 घंटा तो कम हो ही जाए। ये देखिए भाई क्या नज़ारा है, तेज काम। जो जिसने कराची जाना हो वो पाकिस्तान में ही जाए, इससे मुश्किल है।
चार दस है, थोड़ा सा 5 मिनट और होगी जवाब। एक 40 पे